ये फ्रेंड्स आज का था हमारा शूट और आए हैं इस वक्त हम शूट करने। अगर लोकेशन की बात करें तो चोई के पुल वाली लोकेशन है हमारी। यहीं पर एक दुकान है साइकिल पंचर की, उस साइकिल की दुकान पर ही हमारा कुछ सीन है, तो उस सीन के लिए अभी क्रिएट कर रहे हैं। अभी मैं दिखा देता हूँ क्या सीन है, कैसे क्या है, तो आज का आपके लिए पूरा व्यू दिखाने वाला हूँ। तो प्लीज़ ब्लॉग के लिए शुरू से अंत तक ज़रूर देखना। दिखाना चाहता हूँ आपके लिए कि जो अभी गाड़ी हमारी खड़ी है वो कहाँ पर है, और इसमें हमारे दो तीन चलते हुए हैं और लगे पड़े हैं फ्री फायर में, देख सकते हो आप। देखो इसमें दो तीन चलते हुए बैठे हुए हैं गाड़ी में। एक ये सामने पीयू, पीयू का मतलब पुष्पेंद्र भाई, पुष्पेंद्र राणा यूट्यूबर, और ये रोहित, इधर देख सकते हो आप। रोहित क्या कर रहे हैं ये बताओ? फ्री फायर खेलने। तो ये हर समय फ्री फायर ही खेलते रहते हैं ना? हाँ। तो ऐसा क्या है फ्री फायर में? फ्री फायर में बंद ऐसे रुपए मिलते हैं। क्या मिलते हैं? ऐसे बंद बंद खुलते हैं। अच्छा पैसे मिलते हैं फ्री फायर से, है ना? मुझे लगता है फ्री फायर से तुम्हारी बुद्धि नष्ट हो जाती है, बुद्धि खराब हो जाती है तुम्हारी, मुझे ये लगता है। रोहित ऐसा ही है ना? तो इनसे मना करो कि ये फ्री फायर नहीं खेलें। ये मानते नहीं है, ये मानते नहीं है, बहुत शैतान है ना इसलिए, है ना? चलो कोई नहीं। तो डियर फ्रेंड्स अभी यहाँ की लोकेशन मैं आपके लिए दिखा देता हूँ कि यहाँ पर हमारा कैसा क्या सूट है। ओके और चलो तो चलते हैं। फिलहाल हम तो गाड़ी में बैठे थे क्योंकि हमारा यहाँ पर कुछ सीन नहीं था। अब जो सीन हो रहा है वो मैं अभी आपके लिए दिखाता हूँ। ओके डियर फ्रेंड्स, फ्रेंड्स ये जो सामने देख रहे हो आप, यहाँ पर अब शूट स्टार्ट हो चुका है। सामने प्रदीप खड़ा है जो कि हमारा कैमरामैन है। ये लड़की लड़की का इसमें नेगेटिव सीन है, ये एक बहुत बड़ी इसमें किडनैपर है और एक पुलिस वाले से मिली हुई होती है, जो कि दोनों आपस में एक दूसरे को मतलब ब्लैकमेल करते रहते हैं, एक दूसरे से पैसा ऐंठते रहते हैं। तो यहाँ पर विकास भाई इस वक्त स्टोरी के लिए लीड कर रहे हैं, रोहतास भाई यहाँ पर कैमरा चला रहे हैं। तो वीडियो काफ़ी अच्छी है, आप रोहतास रानी यूट्यूब चैनल पर देख लेना। ये वीडियो के स्पूफ में इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि थोड़ा मज़ा आता है। देखो भाई पैसों का नहीं, राजपूत होने का घमंड है ना, लेकिन एक तप्पर में गिरा जाओ कोई। अरे ना यार ऐसी बात ना, जब हम उसे पैसे देंगे तुम हमारा वीडियो रिकॉर्ड कर लेना। लेकिन वो पुलिस वाला तुम्हारा बॉयफ्रेंड है ना? डियर फ्रेंड्स ये खड़ी है हमारी यहाँ पर स्कॉर्पियो गाड़ी, और वो सामने जा रहे हैं आलम भाई जो कि एक्ट्रेस के सर हैं, जो कि उन्हें लेकर आते हैं शूट पर। तो डियर प्रदीप यार थोड़ा जल्दी से मैनेज कर ले, और तू जानता है मुस्कुराने से काम नहीं चलने वाला, ये नाक पूछ कर मत देखा मुझे। चल बस हो गया, शादी हो चुकी है, उसने मेरी जिंदगी तबाह कर दी है। अब तो उसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। देखो ठीक है, मैं पूरी जचेती और फ्री फायर खेलन से तू कभी नहीं बचेती। अरे हमारा मैं ब्लॉग में कह रहा हूं कोई मुस्तकल ले बन का है फ्री फायर में। हाँ इंसान टक्कर लेंगे। आई एम इंस्पेक्टर छत्रपाल सिंह, छत्रपाल सिंह। डियर फ्रेंड सबसे पहली बात तो ये इंस्पेक्टर और ये लड़की आपस में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, और ये लड़की इस इंस्पेक्टर के लिए काम करती है, लड़कियों को किडनैप कर अदर कंट्री में लेकर जाती है और उन्हें सेल करती है। तो फ्रेंड्स ये दोनों एक प्रकार से यहाँ पर फ्रॉड ही मान लो, तो एक दूसरे से पैसा हटने वाले इंसान है ये। और इस वीडियो में काफ़ी मज़ा आने वाला है, वीडियो की जो स्क्रिप्ट है काफ़ी अच्छी है, तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखिएगा। डियर फ्रेंड्स अगर मैं टाइटल की बात करूं कि इस वीडियो का टाइटल क्या है, तो टाइटल ऑलरेडी वही है कि गरीब मैकेनिक बना करोड़पति। तो गरीबी से अमीरी तक जाने का रास्ता किस तरीके से तय किया जाता है, हम किस तरीके से इसे स्क्रिप्ट करते हैं, तो वो तो आपके लिए पता ही है। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ का सीन हो चुका है ख़त्म, अब चलते हैं नेक्स्ट सीन पर और दिखाते हैं। ओ त्री यहाँ तो पहले से ही बहुत भीड़ लगी हुई है यार, अभी छुट्टी हुई है स्कूल की इसलिए यहाँ पर काफ़ी बच्चे हैं, तो इन बच्चों की आवाज़ें आ रही हैं, काफ़ी समझा रहे हैं कि भाई घर जाओ, लेकिन ये जो है यहाँ पर सूट देखने के चक्कर में रुके पड़े हैं। चलो कोई नहीं, रुकते हैं थोड़ी देर फिर करते हैं सूट। हमारा रेंटला ये अभी सेविंग करा के आया, मूतने आ रहा, मूतने क्या निकाले हैं बेटे, क्या निकाले हैं बेटे कैमरा। तो फाइनली रोहित का सीन आ चुका है और रोहित गाड़ी से निकल कर आ चुका है, अभी रोहित का सीन होगा, दिखाते हैं आपके लिए क्या सीन है। चलो भाई रोहित, ओम फो धर्राटे काट रही है आज तो धूम में। चलो तो कुल मिला के हमारा वीडियो में जो था अभी ये मेन सीन है, और यहाँ पर कुछ ही देर में ये खत्म हो जाएगा, उसके बाद यहाँ से निकल जाएंगे। तो अभी यहाँ पर जो नेगेटिव सीन है, ये जो मैंने बताया था आपके लिए, ये इंस्पेक्टर और ये मैडम दोनों ब्लैक मेलर वही हैं,
फ्रॉड और रोहित के लिए यहाँ पर किस तरीके से परेशान करने वाले हैं तो सारा कुछ आपके लिए वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों यार एक्टिंग देखो कुछ और मत देखो, समझ गए ना। हाँ इतना अच्छे तरीके से जानता हूँ कि आप इस चीज़ पर फोकस ज़्यादा कर रहे होंगे। प्लीज़ यार ठीक है ना, चलो प्लीज़ आप एक्टिंग देखो यार, कुछ और मत देखो ना। चलो कोई बात नहीं, देखो सब चलता है आज के टाइम पर। रोहित बैठा हुआ है यहाँ पर, ये अभी पंचर की दुकान है इसकी और इसी का यहाँ पर सीन है। अभी देखो किस तरीके से इंस्पेक्टर इल्जाम लगाने के बाद इसको टॉर्चर करने वाला है यहाँ पर, और बिना गलती के इस बच्चे को यहाँ पर करने वाले हैं ये लोग। अभी देखते रहो किस तरीके से इस बच्चे को ये परेशान करते हैं यहाँ पर। और मैडम का तो अलग ही जलवा भाई, उनका तो जवाब ही नहीं है, काफ़ी हॉट एंड शॉर्ट है ये तो। वेल ये देखो अब रोहित को किस तरीके से अभी ये यहाँ पर परेशान करने वाले हैं। अपना हाथ नीचे रख। निगाहों ने छेड़ा है दिल का तरा, अगर आज के बाद तेरी इस तरह की कोई शिकायत आई ना तो दुनिया में मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। कंजा बोल रहा भैया, ये तो जी वैक्सीन आया होगी, मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। अच्छा तो कहा बोले वैक्सीन रेडी कुछ बोलते हो ये बोलते हो जी ऐसे डीट पंचर वालों को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि इनके साथ कैसा सलूक करना चाहिए। मुझे समझने की कोई जरूरत नहीं है, क्या मैं जानती नहीं हूँ तूने यहाँ पे कितनी सारी किले बिछाई थी ताकि हर किसी की बाइक में आगे से ऐसी गलती मत करना ठीक है।